नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम आबियू के छठे सत्र में हैं। इस अध्याय में, इस सत्र में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें 9 सॉल्यूशन तक हम लोगों ने इसके पिछले भाग 5 में देखा था, सत्र 5 में देखा था। आज हम 10 नंबर से क्वेश्चन अंतिम तक देखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक आबियू दिया हुआ है और हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। साथियों, पहले 2 से एक्स को गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2z, 2y, 2t। 3 से गुना करेंगे, 3 एक आए 3, माइनस 3, 3 गुने 0, 0, 3 गुने 6, 3 थिया 9, 5 थिया 15, 4 थिया 12, 6 थिया 18। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y, 2t प्लस 6 इधर है। उसके बाद अभी दोनों बराबर करेंगे, दोनों अभी बराबर है, इसका ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, इससे 2x बराबर आ जाएगा 6, इससे x का मान निकल के आ गया 3। अब 2z माइनस 3 बराबर 15 है, तो 2z बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3 18, जेड बराबर 18 बटे 2 मतलब 9, जेड का मान 9 आ गया। अब 2y बराबर 12 है, तो y का मान से 6 आ गया, 2t प्लस 6 बराबर 18 है, तो 2t बराबर हो जाएगा 18 माइनस 12 यानी t बराबर 6। अतः x का मान 3 आ गया, y का मान 6 आ गया, z का मान 9 आ गया और t का मान 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक इसी तरह का है, x गुने का आबियू है, y गुने का आबियू है और इसके बराबर दिया हुआ है। 2 से गुना किया तो 2x इंटू 3, एक से गुना किया तो 2x 3x हो गया, फिर y को गुना किया तो माइनस वाई प्लस वाई हो गया, इधर 10 5 हो गया। जोड़ेंगे 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5, दो समीकरण तैयार हो गया। साथियों, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5 हो जाएगा बराबर 15, यानी x बराबर हो जाएगा 15 बटे 5 मतलब 3, x का मान 3 आ गया। इसका मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भर सकते हो, मैंने फर्स्ट में भरा है, 2 को 3 से गुना किया 6, माइनस वाई बराबर 10, 6 माइनस 10 बराबर वाई हो गया, इससे वाई का मान निकल के आ गया माइनस 4, अतः एक्स का मान 3 आया और वाई का मान माइनस। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं आप, आसानी से हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन देख रहे हैं। साथियों, आप केवल इसको एक एक बार को देखते जाइए, पूरे वीडियो को पूरी तरह से देखिए, हर एक सॉल्यूशन आपके साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, ये दिया हुआ है एक आबियू के रूप में। सबसे पहले ये 3 गुना के रूप में 3 से गुना करेंगे, 3x प्लस 3, 3x इंटू 3y, 3z इंटू 3w। पता है कि जब किसी भी आबियू को किसी अभी से गुना करेंगे तो हर एक एलिमेंट को गुना करते हैं, और यहां हम जोड़ेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 8 प्लस w है, 6 प्लस x प्लस y है, 2w प्लस 3। अब ये 2 आबियू बराबर हो गया, संगत एलिमेंट को बराबर करेंगे, 3x बराबर x प्लस 4, यानी 3x इसको इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 4, x का मान 2 आ जाएगा, 3y बराबर है 6x प्लस x प्लस y, x को y को इधर ले आएंगे तो 2y हो जाएगा 6 प्लस x, और x का मान यहां 2 है तो 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 होता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी y का मान आ गया 4। फिर आइए 3w बराबर 2w प्लस 3 है, 2w को इधर करेंगे w आ जाएगा, w का मान 3 आ जाएगा, 3z बराबर माइनस 1 प्लस z प्लस w है, z को इधर करेंगे तो 2z हो जाएगा, माइनस 1 प्लस w और w का मान 3 आ गया, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, 2z का मान 2 आ गया, तो z का मान आ गया 1। इस तरह से x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1 और w का मान 3 हुआ। साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है fx बराबर इस रूप में, तो एक y बराबर हो जाएगा इस रूप में, हमें कहता है कि fx को fy से गुना करेंगे तो fx plus y आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो fx लिखा, x की जगह हमने y भर दिया इसमें, तो ये हमें fy मान का मान निकल के आ गया। अब fx को fy से गुना करेंगे, cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, y sin cos y में है,
अब गुना करेंगे तो cos x into cos y माइनस sin x into sin y जीरो इंटू जीरो, फिर cos x into माइनस sin y माइनस sin x into cos y इंटू जीरो इंटू जीरो, फिर cos x into जीरो माइनस sin x into जीरो जीरो इंटू वन, इस तरह से फिर ये इसी तरह से गुना किया, फिर इसको गुना किया, ये हमें क्रिएट हुआ cos x into cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन निकाल लिए हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो हो गया, इधर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ए जीरो 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 वन, ये तैयार हो गया, यानी एक्स की जगह एफ एक्स प्लस वाई आ गया, तो अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स प्लस वाई आ गया और ये मुझे लाना था, ये साबित हो गया, इस तरह से एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स वाई सत्यापित हुआ। 14 का फर्स्ट है, दो आव्यूह का गुणन के रूप में दिया हुआ है, कहता है बराबर नहीं है, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ऐसा मुझे साबित करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले बराबर के पहले वाला जो है वो लिखेंगे, इसको गुना करेंगे, पांच को दो से गुना किया दस हो गया, माइनस एक को तीन से गुना किया माइनस तीन, पांच एक आए पांच माइनस एक गुने चार माइनस चार हो गया, छः गुने दो बारह, सात गुने तीन इक्कीस, छः एक आए छः सात चौके अट्ठाईस, दस में तीन गया सात हो गया, पाँच चार गया तीन हो गया, बारह इक्कीस तैंतीस हो गया, अट्ठाईस और चौंतीस हो गया, लेफ्ट साइड इतना आ गया साथियों। राइट साइड में देखिए यही चीज आ गया, दो तीन एक चार पाँच छः माइनस एक सात, गुना करते हैं, पाँच गुने दस हो गया और छः का एक छः हो गया, दो गुने माइनस एक माइनस दो और एक गुने सात सात हो गया, तीन गुने पाँच पंद्रह हो गया, चार गुने छः चौबीस हो गया, तीन गुने माइनस एक माइनस तीन और चार गुने सात अट्ठाईस हो गया, दस से सोलह हो गया, सात दो गया तो पाँच हो गया, पाँच चार नौ उनचालीस हो गया, अट्ठाईस में तीन चार गया पच्चीस हो गया, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड दोनों बराबर नहीं है, यही हमें साबित करना था, प्रमाणित हो गया। इसी का सेकेंड है, इसी तरह से दो आव्यूह दिया हुआ है, इस दोनों आव्यूह को गुना किए रिजल्ट ये आ गया, इसके राइट साइड को गुना किए रिजल्ट ये आ गया, दोनों रिजल्ट देखिए बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड बराबर नहीं है राइट साइड है, यानी इसे साबित हो गया साथियों कि आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आव्यूह ए का मान दिया है और हमें अब ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई का मान क्या होगा, व्हाट। तो ए स्क्वायर का मतलब वो ए को ए से गुना करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे, ए को ए से गुना कर लिया, गुना करने के बाद रिजल्ट ये आया, अब उसके बाद फाइव ए प्लस सिक्स ए स्क्वायर, इसी का मान हमें ज्ञात करना है, ए स्क्वायर का मान ये है माइनस फाइव ए फाइव इंटू ए ये हुआ प्लस सिक्स आई का मतलब हो गया, ये सभी थ्री ऑर्डर का है, थ्री क्रॉस थ्री का है, तो थ्री क्रॉस थ्री का तत्समक आव्यूह बनाएंगे, यानी एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक। अब इसके बाद इसको माइनस फाइव से गुना करेंगे और इसको सिक्स से गुना करेंगे, उसके बाद ये तीनों को इसको 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 तीनों जोड़ेंगे, यानी ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, ये रिजल्ट हो जाएगा, फिर ये प्लस ये प्लस ये रिजल्ट हो जाएगा, फिर ये और ये जोड़ेंगे, इस तरह से हमें इसे क्या करना है जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद मुझे ये राशि प्राप्त होगी, यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, जिस तरह से आपने 15 बनाया ठीक क्वेश्चन नंबर 16 में आपको प्रमाणित करना है कि ये जीरो आना है, ये ए दिया है और टीपीटी बने वर्ड टू प्रूफ दैट, तुम्हें सिद्ध करना है ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई बराबर जीरो लाना है, जीरो मतलब जीरो आव्यूह, क्योंकि ये सारा खेल आव्यूह का है तो रिजल्ट भी आव्यूह में होगा, जिस कोटि का ये सब होगा शून्य आव्यूह भी उसी कोटि का होगा। अब ए क्यू निकालने के पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए को ए से गुना करेंगे, ए को ए से गुना किया ये आ गया, ए क्यू निकालने के लिए ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, स्टॉप करो,
ए क्यूब याद करने के लिए ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ए मेरा ये है और ए स्क्वायर मेरा ये है, इसको गुना किए ए क्यूब का वैल्यू निकल के आ गया। अब साथियों ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई, इसका मान इवेलुएट करना है। तो ये ए क्यूब का मान है जो मेरा यहाँ है 21 12 34 08 0 34 23, ये 23 है, 23 55, फिर ये माइनस छ इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान मेरा ये है, ये इस जगह निकल के आया है, ये वैल्यू भर दिया 528 0408 530, फिर सेवन ए का मान मेरा ये है 102 0020 213 प्लस टू, आई का मान तस्मक आदि हुए तो 100 010 इस तरह से भर देते हैं। अब माइनस छह से इसको गुना करेंगे, माइनस 30 माइनस 12 माइनस 48 हो गया, 0 माइनस 24 0 848 635 63 78। अब इस तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहां पर 23 है साथियों, यहां 23 लिखेंगे। अब इसके बाद ये सब कुछ जोड़ा, जोड़ने के बाद रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ये देख रहे हैं ना, 7 2 9 और 7 2 9 12 9 7 2 9 और अब ये 21 है, इस 21 माइनस 30 और 7 प्लस 2 ये सारे को जोड़ देंगे, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, फिर ये 12 माइनस 12 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये सारा एलिमेंट 0 0 मिलेगा, ये शून्य भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक आव्यूह ए का मान दिया है और एक शर्त दिया है कि ए स्क्वायर बराबर के माइनस टू आई है, आई तत्समक आव्यूह है, 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का होगा और मुझे के का मान ज्ञात करना है। साथियों सबसे पहले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए को ए से गुना करेंगे, ये मेरे पास में ये है, ये दोनों गुना करेंगे, रिजल्ट मेरा ये आ गया। फिर ए स्क्वायर बराबर के माइनस टू आई है, ए स्क्वायर ये है 1 4 -2 4, के ए ए को के से गुना करेंगे, इस के ए से गुना करेंगे तो 3k -2k 4k -2k, और फिर माइनस टू आई है तनिक प्लस माइनस टू 0 0 -2। अब ये लेफ्ट साइड मेरा ये है, राइट साइड 3k -2 हो जाएगा, -2k 4k -2k -2। अब कहता है दोनों अभी बराबर है तो किसी को भी ले लीजिए, 4k को 4 के बराबर कीजिए, k का मान 1 आ जाएगा, -4 को -2k -2 बराबर लीजिएगा तो भी k का मान 1 आ जाएगा, -2 बराबर -2k लीजिएगा तो भी k का मान 1 आएगा, यानी हर स्थिति में k का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा साथियों। अब 18 नंबर में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, a का मान दिया है, प्रूव करना है 1 + a (i - a) (this much) होता है। अब लेफ्ट साइड लेते हैं, i + a (i = 1001) + a का मतलब ये मेरा दिया हुआ, दोनों जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आ गया, 1 + 0 (1) - a (0) - 10 / 2 (-2) - 0 + 10 / 2 (10 / 2) 1 + 0 (1) हो गया, ये लेफ्ट साइड आ गया। राइट साइड भी मुझे इतना ही आना चाहिए, राइट साइड में देखिए दिया है i - a, तो सबसे पहले i - a निकालें, इसको एक बड़ी कोष्टक में बंद, एक कोष्टक में बंद कर देंगे साथियों, क्योंकि ये खुद ही बड़ी कोष्टक में है, इसको एक ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसको पहले घटा देंगे, घटाने के बाद रिजल्ट आ गया, 1 में से 0 गया 1 आ गया, 0 में से ये घटाएंगे तो जाएगा +10^2, -(-) जाएगा +, फिर -10^2 और 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा, इंटू दिस मच, ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये दोनों को गुना करना है, तो गुना करेंगे ये रिजल्ट आ गया। अब साथियों बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि cos अल्फा प्लस 10^2 इंटू sin अल्फा का मान 1 होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -10^2 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10^2 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। और साथियों 1 कैसे आएगा, जरा देखिए, cos अल्फा है 10^2 है इंटू sin अल्फा है, ये 1 कैसे आएगा तो गौर कीजिएगा, cos अल्फा 10^2 मतलब sin अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2, 2 sin अल्फा बराबर होता है 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, cos अल्फा बराबर 1 - 2 sin अल्फा बाई 2 प्लस
टू साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन बाई टू हो गया, साइनस का अल्फा बाई टू ये कैंसिल हो गया, एक आ गया। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई टू आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन अल्फा बाई टू आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर एक आ जाएगा। साथियों इस तरह से ये सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोई व्यक्ति 30,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है, इस तरह निवेश करता है कि एक में ब्रांड में 5% का इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे में 7% का इंटरेस्ट मिलता है, कुल मिलाकर के उसको 1800 रुपए की लाभ होती है, तो बताएं कितना कितने रुपए का निवेश किया। तो मान लेते हैं कि एक ब्रांड उसने 1 रुपया और दूसरे ब्रांड में बच गया 30,000 माइनस 1 रुपया, इंटरेस्ट का है 5% 7%, इसको गुना करेंगे अभी के तरीके से तो 1 × 5% प्लस 30,000 माइनस 1 × 7% बराबर 1800, ये परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, 5x/100 हो जाएगा, 30,000 माइनस 1 × 7% हो जाएगा, दोनों के नीचे 100 है, 100 को ट्रांसफर कर दिए इधर, 1800 × 100 इधर हो गया 5x, 7 से गुना करेंगे 2150 हो गया माइनस 7x, 5x में 7 घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये 21 210,000 को ट्रांसफर कर दिया, 180,000 में घटाए तो 30,000 रुपया माइनस 30,000 रुपया आया, माइनस में कट गया तो 2 से कटेगा 3,000 तो 15,000 हो जाएगा, यानी x का मान है 15,000 हो गया, यानी इसमें 15,000 30,000 में 15,000 कटेगा तो 15,000, यानी दोनों ब्रांडों में उसने 15,000 रुपया का पूंजी निवेश किया, इसमें भी 15,000, सेकेंड निवास ब्रांड में भी 15,000 रुपया का निवेश किया है। अब यही प्रश्न जो है अब कहता है कि अगर उसको 2,000 रुपया की लाभ हो तो क्या होगा, सारा कुछ वैसे करेंगे 1800 की जगह पर 2,000 करेंगे, कैलकुलेट करके आएंगे, पहले में इसको 5,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा और दूसरे में 25,000 रुपया का निवेश करेंगे। साथियों आप इसी तरह इसको बनाएं और हमारे कमेंट बॉक्स में डालें आपने कैसे बनाया है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 10 दर्जन एक पुस्तक है, एक 8 दर्जन है और एक 10 दर्जन है, ये तीन अलग अलग प्रकार की पुस्तक है, उसका विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक 80 रुपया 60 रुपया और 40 रुपया है, बेचने पर वो कितना धन अर्जित हुआ ये याद करने के लिए कहता है। तो 112 दर्जन का मतलब हो गया 12 × 10, एक दर्जन का मतलब 12 इकाई होता है और 10 दर्जन है तो 12 × 10 120 हो गया, ये 8 दर्जन है तो 12 × 8 96 हो गया, 10 दर्जन है तो 12 × 10 120 हो गया। अब ये अभी के तरीके से कितना धन अर्जन किया है निकालना है, 120 को 80 से गुना करेंगे प्लस 96 को 60 से गुना करेंगे प्लस 120 को 40 से गुना करेंगे, इस तरह से 20,160 रुपया अर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है ये दिया हुआ, 5 वाव्यू है, एक से वाई है, जेड है, डब्ल्यू और पी है, उसके कोटि दिया हुआ है, इस तरह की कोटि दिया हुआ है। अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी, 4 को चॉइस दिया उसमें कौन सही होगा, तो पी वाई निकल गया, इसका मतलब है पी की कोटि पी गुने के है, पी की कोटि यहां पी गुने के है, y की कोटि 3 होने के है, तो ये पी वाई तभी निकल सकता है जब k बराबर 3 हो, यानी k का मान 3 आ गया और इसकी कोटि हो जाएगा पी गुने के, डब्ल्यू वाई एन गुने 3 है और y का 3 गुने k है, ये बराबर है तो डब्ल्यू वाई निकलेगा और n गुने k होगा, ये p गुने k और ये n गुने k है, ये जोड़ा तभी लग सकता है जब दोनों की ऑर्डर सेम हो, यानी पी के की भी पी के होना चाहिए, यानी पी का मान n होना चाहिए, तो पी का मान है n के बराबर 3, ये आपका ऑप्शन ए सही होता है। 22 नंबर में क्वेश्चन कहता है n बराबर p है तो 7x − 5z की कोटि क्या होगी, साथियों 7x है तो x की कोटि दिया हुआ है यहां पर मेरे पास में 2 × n है, 5z है ये 2 × p है, तो ऑब्वियसली ये घट तभी सकता है जब ये इसकी कोटि इसके बराबर हो, तो 2 तो 2 है ही तो n बराबर p होना चाहिए, n बराबर p दिया हुआ है तो रिजल्ट की कोटि या तो 2 × n होगा या 2 × p होगा, क्योंकि n और p दोनों आपस में बराबर है, तो ये सही इसका आंसर जो है 2 × n या 2 × p जो भी ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। धन्यवाद साथियों, आपने पूरे वीडियो देखा, पूरे एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग 3.3 के उदाहरण को पढ़ेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।